देश भर में तेल की बढ़ती कीमतों पर हंगामा मचा है। सरकार को कटघरे में खड़ा कर विपक्ष रोष प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन तेल के दाम कम नहीं हो रहे। पेट्रोल डीजल की महंगाई से अमीर तो परेशान है ही, गरीब किसानों की भी कमर टूट गई है। डीजल के दाम बढ़ने से खेतों की जुताई और सिंचाई महंगी हो गई है। ये वो वक्त होता है जब खेतों में धड़ाधड़ ट्रैक्टर चल रहे होते हैं, क्योंकि बारिश आते ही किसान सबसे पहले अपने खेतों में बोनी शुरू कर देता है। उससे पहले खेतों की जुताई होती है ताकि बारिश में बोनी के साथ ही भरपूर मात्रा में पानी जो है वो फसल की जड़ों तक पहुंच सके। लेकिन फिलहाल ट्रैक्टर इस तरीके से खेतों में खड़े हुए हैं। वजह है पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें। डीजल से चलने वाले ये पेट्रोल, जो कि एक घंटे में करीब 4 से 5 लीटर तक पेट्रोल पी जाते हैं, फिलहाल महंगे होते डीजल की वजह से इसी तरीके से खड़े हैं। हम खेतों की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो इन खेतों पे अब तक जुताई हो जानी चाहिए थी, लेकिन डीजल जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 80 से 81 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, उसकी वजह से किसानों के सामने समस्या ये है कि जो बजट वो लेकर के चल रहे थे उस पर असर पड़ा है। इसके लिए किसानों को हर बार, क्योंकि कर्ज लेना पड़ता है फसल उगाने से पहले, लेकिन अब दिक्कत यह है कि जो कर्जा वो ले चुके हैं उसमें फिलहाल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें फिट नहीं बैठ रही है, ऊपर जा रही है, और इसीलिए कई किसान अभी भी निराश है पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों। बिना जुताई वाले खेत से भोपाल से सटे ईटखेड़ी गांव में इन दिनों खेतों की जुताई हो रही है, बारिश हो रही है, लिहाजा यहाँ पर जल्द ही बुआई होने वाली है। लेकिन डीजल की बढ़ती कीमतों ने किसान को मुश्किल में डाल दिया है। किसानों का कहना है कि जब सारा पैसा खेतों की जुताई में ही लग जाएगा तो फिर बीज और खाद कहाँ से आएगा। डीजल की कीमत में जो है कि कोई फायदा नहीं है, घाटा ही घाटा मिल रहा है डीजल में। एक घंटे में 4 खा रहा है, उस हिसाब से मिलना कुछ नहीं है। जमीन में चला रहा है तो 2 एकड़ जमीन निकालता है एक घंटे में, फायदा कुछ नहीं मिल रहा उसमें। डीजल महंगा है। क्या रेट पे मिल रहा है डीजल आपको? 80 से ऊपर ही है। तो खर्चा क्या हो, अब आपका कितना बचत होगी इसमें? कुछ नहीं होगी। जमीन में चलाएंगे खाद बीज सब करके, बोनी मोनी करके कुछ नहीं मिलता, वो बराबर मिले। फिरोज अकेला किसान नहीं है जो डीजल की बढ़ती कीमत से परेशान है। फिरोज के खेत से लगा हुआ है शैतान सिंह का खेत। शैतान सिंह के मुताबिक उनके पास खुद का ट्रैक्टर नहीं है, इसलिए हर साल जुताई के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं। लेकिन डीजल की बढ़ी हुई कीमत ने इस साल ट्रैक्टर का किराया भी बढ़ा दिया है। शैतान सिंह के मुताबिक पहले जो ट्रैक्टर 500 रुपए प्रति घंटा किराए पर मिलता था, उसका किराया अब 200 रुपए बढ़कर 700 रुपए प्रति घंटा चुकाना पड़ता है। 500 रुपए घंटे मिलता था पहले, अब ये 700 रुपए घंटे में मिलता है ट्रैक्टर। क्यों, क्या वजह बताएं? सर ये डीजल की वजह बढ़ा दिए रेट। तो आपने बात की जिनका ट्रैक्टर है उनसे, क्या बोल रहे हैं वो? वो तो 700 रुपए घंटे ही ले रहे हैं, क्योंकि डीजल बढ़ गया तो कहना भैया हम भी बढ़ाएंगे पैसे। सोमवार को भोपाल में डीजल की कीमत करीब 80 रुपए प्रति लीटर रही। बारिश आने के साथ ही खरीफ सीजन की शुरुआत भी हो गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में धान समेत दूसरी फसलों की बुआई के बाद डीजल पंप सेट से सिंचाई भी होनी है। ऐसे में डीजल की कीमतें कम नहीं हुई तो महंगाई का असर वहां भी होगा, जिससे अन्नदाताओं की मुश्किलें और बढ़ सकती है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने शहरों से निकलकर अब ग्रामीण अंचलों तक अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ट्रैक्टर खुद का हो या फिर किराए का, पहले से ही उपेक्षित किसानों के ऊपर डीजल की बढ़ी हुई कीमतों ने जैसे चाबुक चला दिया हो। रवीश पाल से भोपाल।